हेलो गाइस हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि हाउ टू यूज द टू स्टेप बाइनोमियल मेथड टू कैलकुलेट द कॉल ऑप्शन प्राइस एंड द पुट ऑप्शन प्राइस फॉर अ यूरोपियन ऑप्शन ये वीडियो में लेट्स सी हाउ टू यूज द टू स्टेप बाइनोमियल मेथड टू कैलकुलेट द पुट ऑप्शन प्राइस फॉर एन अमेरिकन पुट ऑप्शन तो फॉर्मुलाज तो सेम ही रहने वाले हैं एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि चेंज क्या होता है करेंट मार्केट प्राइस इज फिफ्टी डॉलर

मार्केट तो प्राइस जब 52 डॉलर से कम होगा तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 52 में सेल करेंगे जब मार्केट प्राइस 52 से ज्यादा होगा तो हम मार्केट में जाके सेल कर देंगे और हम ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे अब देख लेते हैं द करेंट मार्केट प्राइस इज फिफ्टी डॉलर तो आप एक नोट क्रिएट कर सकते हैं एस नॉट इक्वल टू फिफ्टी द प्राइस इन ईच ऑफ द टू टाइम स्टेप्स कैन गो तो पहले एक टाइम स्टेप कंसिडर करते हैं एक टाइम स्टेप में इट कैन गो अप बाय 20% और डाउन बाय 20% तो अप बाय 20% इन द फर्स्ट टाइम स्टेप तो प्राइस हो जाएगा s नॉट u इक्वल टू 50 प्लस 20% ऑफ 50 व्हिच इज इक्वल टू 60 अब आपको u कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा s नॉट u डिवाइडेड बाय s नॉट व्हिच इज 60 डिवाइडेड बाय 50 व्हिच इज इक्वल टू 1.2 इन दिस टाइम स्टेप इट कैन आल्सो गो डाउन बाय 20% तो s नॉट d हो जाएगा 50 माइनस 20% ऑफ 50

इस केस में U की वैल्यू हो जाएगी 72 टू बाय बाई सिक्सटी विच इज इक्वल टू वन पॉइंट टू सिक्सटी से ही इट कैन गो डाउन बाई ट्वेंटी परसेंट सो एस नॉट यू एंड यू के बाद इट कैन गो डाउन बाई ट्वेंटी परसेंट तो एस नॉट यू डी इक्वल टू सिक्सटी माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ 60 विच इज फोर्टी एट डी की वैल्यू इस केस में फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्सटी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट अब एस नॉट डी इक्वल टू फोर्टी इस इस नोड से भी इट कैन गो अप बाय ट्वेंटी परसेंट एंड डाउन बाय ट्वेंटी परसेंट

अब मैंने नोट्स को नेम दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा हम बी डी ई e ट्राइंगल को आइसोलेट कर देंगे तो बी डी ई e ट्राइंगल को आइसोलेट करने के बाद हमें एफ यू एंड एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है फॉर नोट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली हमारे कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है फिफ्टी टू दैट मीन्स वी कैन सेल एट फिफ्टी टू और वी कैन चूज नॉट टू सेल मार्केट में प्राइस चल रहा है सेवनटी टू ऑन दी अपसाइड तो ऑफकोर्स हम मार्केट में जाके सेवेंटी टू में सेल कर देंगे इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए मैं लिख सकता हूँ एफ यू यू इक्वल टू जीरो सिमिलरली डाउन साइड पर प्राइस हो गई है फोर्टी एट वी हैव द चॉइस टू सेल इट एट फिफ्टी टू मार्केट प्राइस इज फोर्टी एट तो ऑफकोर्स वी विल सेल इट एट फिफ्टी टू इस केस में हमारा एफ यू डी इक्वल टू फोर आ जाएगा अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है टू सॉल्व दिस नोड कंप्लीटली यानी कि हम नोड बी का आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग आर टू फॉर्मूलाज पहले फार्मूलाज में पी इक्वेल टू ई रेस टू आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी यू इक्वल टू वन पॉइंट टू है डी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट है आर इज जीरो फाइव बिकॉज फाइव परसेंट पर time एंड टाइम इक्वेल टू वन ईयर तो आपका पी वैल्यू जो आ जाता है वो होता है जीरो पॉइंट सिक्स टू एट टू अब सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी पी इन एफ यू प्लस वन माइनस पी इंटू एफ डी एफ यू की वैल्यू आपको मालूम है जीरो है एफ डी आपको मालूम है इट इज इक्वल टू फोर एंड पी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है तो इस केस में एफ इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन आ जाता है अब अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में यहाँ पर डिफरेंस आता है ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम नोड बी के ऊपर एफ यू इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन तो लिख ही रहे थे ये हम यूरोपियन में भी लिख रहे थे हम अमेरिकन में भी इसे लिखेंगे बट अमेरिकन में वी हैव वन मोर चॉइस अमेरिकन में हम नोड बी के ऊपर ऑप्शन का पे ऑफ भी चेक करेंगे तो नोड बी पे प्राइस क्या है एस नॉट यू इक्वल टू सिक्सटी तो मतलब अगर हम मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं तो हमें सिक्सटी मिल रहा है वी हैव द ऑप्शन टू सेल एटेट फिफ्टी टू तो ऑफकोर्स हम इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए इस केस में मैंने लिखा है एफ यू इक्वल टू जीरो तो वी हैव टू चॉइसेस एफ यू इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन एंड एफ यू इक्वल टू जीरो 1.4147 तो हमने कैलकुलेट करके निकाला बाय सॉल्विंग द ट्रायंगल बी डी ई एंड एफ यू इक्वल टू जीरो हमने ऑप्शन का पे ऑफ निकाला व्हेन द प्राइस इक्वल टू सिक्सटी तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास हम आगे देखेंगे इसमें से कौन सा एफ यू हमें चूज करना है सिमिलरली हम अब ट्राइंगल सी एफ जी को सॉल्व कर लेंगे सी एफ जी को सॉल्व करने के लिए हम सी एफ जी को आइसोलेट कर देंगे हमारा एक्सरसाइज प्राइस है फिफ्टी टू मार्केट में प्राइस चल रहा है फोर्टी एट तो इस ऑप्शन से हमें पे ऑफ आएगा ऑफ रुपीज फोर तो एफ डी यूल टू फोर हो जाएगा बिकॉज वी आर सेलिंग एट मार्केट प्राइस इज डाउन साइड पे प्राइस थर्टी टू है तो वी आर सेलिंग इट एट फिफ्टी टू वेन मार्केट प्राइजेस थर्टी टू तो हमारा पे ऑफ हो गया ट्वेंटी का अब हम अपने दो फॉर्मिलाज अप्लाई करेंगे P के कैलकुलेशन में तो U एंड D चेंज हुए ही नहीं है R भी नहीं चेंज हुआ है T भी नहीं चेंज हुआ है तो P इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स टू एट टू आ जाता है अब हम f कैलकुलेट करेंगे एज f इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस वन माइनस पी इन टू एफ डी एफ यू इस केस में फोर है एंड एफ डी इस केस में ट्वेंटी है p का वैल्यू आपको मालूम है तो हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं एज f इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सिक्स अब हमने ट्राइंगल सी एफ जी को सॉल्व किया हमें वैल्यू आया है f इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सिक्स तो c के ऊपर हम लिख लेंगे एफ डी इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सिक्स बट हम ऑप्शन का पे ऑफ भी निकालेंगे तो एस नॉट डी टू फोर्टी है ऑप्शन टू सेल इट एट फिफ्टी टू और हमारा जो पे ऑफ आता है वो आता है एफ इक्वल टू टू बिकॉज वी सोल्ड इट एट फिफ्टी टू वेन मार्केट प्राइस वॉज फोर्टी तो ऊपर वाले नोट बी के लिए हमें दो वैल्यूज आई एक ट्राइंगल को सॉल्व करके और दूसरा पे ऑफ नोड सी के लिए भी हमारे पास दो वैल्यूज आई एक ट्रायंगल को सॉल्व करके और दूसरा पे ऑफ अब लास्ट है हमें ट्रायंगल ए बी सी को आइसोलेट करना होगा तो हम ट्रायंगल ए बी सी को आइसोलेट करते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं बट ट्रायंगल ए बी सी को आइसोलेट करने के बाद हमें एफ यू एंड एफ डी कौन सा लेना है दैट इज इम्पॉर्टेंट तो कॉल ऑप्शन हो कि पुट ऑप्शन हो और अगर अमेरिकन हो तो ही ये होगा जो भी पे ऑफ और कैलकुलेशन दोनों में से बड़ा होगा वो आप चूज करेंगे तो नोड बी के लिए एफ यू इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन और एफ यू इक्वल टू जीरो जीरो हमें आया था ऑप्शन का पे ऑफ और वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन हमें आया था बी डी ई को सॉल्व करके इसमें से कौन सा बड़ा है वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन बड़ा है इसके लिए मैं एफ यू इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन लिख दूंगा ऐसे ही नोड सी पे हमारे पास दो ऑप्शन है एफ डी इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सिक्स जो आया ट्राइंगल सी एफ जी को सॉल्व करके यहाँ एफ डी इक्वल टू ट्वेल्व जो आया ऑप्शन का पे ऑफ कौन सा बड़ा है ऑप्शन का पे ऑफ एफ डी इक्वल टू ट्वेल्व बड़ा है इसके लिए हम एफ डी इक्वल टू ट्वेल्व लिख देंगे तो अगर अमेरिकन ऑप्शन की बात करें अमेरिकन ऑप्शन में आपको दोनों लिखने पड़ेंगे ऑप्शन के पे ऑफ और ट्राइंगल को सॉल्व करके जो आंसर आया और उन दोनों में से जो बड़ा है वो आपको चूज करना होगा एंड ये कॉल ऑप्शन के लिए भी वैलिड है और ये पुट ऑप्शन के लिए भी वैलिड है तो हमें मालूम पड़ गया एफ यू इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन एंड एफ डी इक्वल टू ट्वेल्व अब हम अपने दो स्टेप लगा देंगे P इक्वल टू ई रेस टू आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी यू एंड डी की वैल्यूज़ हमें मालूम है P तो सेम ही आएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू एट टू हम F कैलकुलेट करते हैं E रेस टू माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस वन माइनस पी इंटू एफ डी एफ यू इज़ वन पॉइंट फोर वन फोर सेवन एंड एफ डी इक्वल टू ट्वेल्व तो हमारी एफ़ की वैल्यू आ जाती है फाइव पॉइंट जीरो एट नाइन तो नोड ए पे एफ़ की वैल्यू है फाइव पॉइंट जीरो एट नाइन हम एक दूसरा भी कंसिडर करेंगे जो है ऑप्शन का पे ऑफ तो अगेन वी हैव टू टेक ऑप्शन का पे ऑफ एंड ट्राइंगल को सॉल्व करके जो आंसर आया एंड विच एवर इज बिगर इज द फाइनल आंसर तो जब मार्केट प्राइस फिफ्टी चल रहा है एज़ नॉट इक्वल टू फिफ्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है फिफ्टी टू तो हम सेल कर सकते हैं एट फिफ्टी टू द मार्केट प्राइज फिफ्टी तो ऑफकोर्स हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है जो पे ऑफ है इक्वल टू टू एंड एफ जो हमें कैलकुलेट करके आया है फाइव पॉइंट जीरो एट नाइन वी विल चूज़ द बिगर वैल्यू एंड दैट इज़ फाइव पॉइंट जीरो एट नाइन तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फाइव पॉइंट जीरो एट नाइन